हूं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद है रायबरेली में, और आपको बता दें कि हमारे साथ एक ऐसा शख्स खड़ा है जो अलग अलग तरीके से, चाहे वो एम्बुलेंस की आवाज हो, बच्चे की रोने की आवाज हो, जो एक अंदर से जो एक मशीनरी चीज होती है, वो मशीन आज हमारे साथ में खड़ा है, जिसका नाम है विवेक शर्मा, जो कि लाइब्रेरी से बिलोंग करता है। इस बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है जो अभी हमें बताएगा, 30 से 32 आवाजें निकालेगा, वो भी कंटिन्यू। विवेक जी रेडी हैं? यस जी। चलिए तो सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे आपसे कि बर्ड की आवाज, रैबिट, पैरट, कैट, कैट की रोने की, डॉग की, पपी के रोने की, पीकॉक, पीकॉक की आवाज हो गई, कार की आवाज, आरुन फाइव, बुलेट बुलेट बुलेट, राज की वॉइस की, हॉरर वॉइस थी, हॉरर, अच्छा, हार्ट बीट, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ी, लड़की की पूजा की, लड़की, हाँ लड़की की, अच्छा, लड़की की भी आवाज है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, काफी प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच भैया। अच्छा बच्चे, इसमें वो लिखा हुआ है आपका कि राजकुमार की भी आवाज निकालते हैं आप। हाँ उनकी अभी राज, अच्छा प्रैक्टिस चल रही है अभी फिलहाल, आवाज सुनाते हैं आपको। लज्जा वालों की राज है, लगवालियों की भाषा से पंडा डटा है, तो पर्वत की राज है। अच्छा और ये क्या है, फोन की रिंगटोन, जैसे आपने ले लो पुदीन जो गाना बजाता है उसमें जो आवाज आती है, लीली 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 लीली, देखा होगा उसमें जो आवाज आती है, देखिएगा ये काफी फनी भी है, बाकी आपको बहुत अच्छा लगेगा, हंसी भी आएगी, देखिएगा। और जैसे आपका फोन वाइब्रेट पे रहता है तो किस तरह से आवाज आती है, आप खुद ही सोचेंगे कि हमारी फोन आ रहा है हमारा, देखिएगा। बुलबुल की वॉइस, बुलेट है, बुलबुल होगी, हाँ बुलबुल, उसकी प्रैक्टिस चल रही, देखिएगा। तो चलिए फिलहाल और भी कई सारी आवाज़ हैं, लेकिन जितना आपने किया है बहुत ही अच्छा है, और आपको बता दें कि ऐसे टैलेंट हर जगह पर नहीं होते हैं, इसलिए रायबरेली से राज जी हैं, विवेक जी हैं, तो हम चाहेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रमोट करें, क्योंकि ऐसे कलाकार हर जगह पर नहीं मिलते हैं, और ऐसे कलाकार जो है गॉड गिफ्टेड होते हैं, और ऐसे कलाकारों को हर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो विवेक जी क्या है आगे का फैसला आपका? आगे फैसला आप सबका प्यार मिले और हम आगे रायबरेली नाम रोशन, ऑडियंस है रायबरेली की, ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे अपने लिए? रायबरेली ऑडियंस से यही मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल के माध्यम से, और जितनी भी ऑडियंस है प्यार दें, इतना सपोर्ट करें कि मैं जिस मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ उस मुकाम तक पहुँचूँ। बिल्कुल, और हम यही चाहेंगे कि रायबरेली नहीं, उत्तर प्रदेश के हर एक जिले से जो भी जितने भी लोग देख रहे हैं विवेक जी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ये बच्चा अभी ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनेगा, और यही नहीं गली मोहल्ले से निकल कर मुंबई दिल्ली तक का भी सफर तय करेगा। फिलहाल मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वाला, आपके बीच में ऐसे ही नए नए कलाकारों की नई नई टेक्निक आपके बीच में जरूर लाते रहेंगे।